उसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। किसानों की तो सलाह ये है कि प्रधानमंत्री जी को सड़क पर चलना है तो बिल्कुल 10 दिन 15 दिन पहले बताया गया बिल्कुल चलना चाहिए, तो विकास होगा। जिस रास्ते से सरकार निकलेगी उस रास्ते का विकास हो जाएगा, उन गांवों का विकास होगा। चलना चाहिए, परंपरा डलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी खाली ये नहीं कि दिल्ली भेज रहे, तो चनों की पूर्ण रूप से मिली भगत है। दोनों आप अपना बचाव कर रहे, उधर सरकार का भी है कि प्रधानमंत्री का भी है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से बॉर्डर लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से पैदल का जो 120 किलोमीटर का सफर है, ये आम जनता नहीं चाहती कि उस तरह से जाए। अगर जाए तो बिल्कुल बताना चाहिए, और प्रधानमंत्री को अगर सड़क पर कुछ जाना है तो सड़क से विकास होता है। नहीं, इसको अपमान तो नहीं कहेंगे कि अपमान हुआ, ये तो ये है कि सुरक्षा में चूक इसको कह सकती है, अपमान इसको कह सकते हैं। बिल्कुल फेलियर रहा। अब इसके पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से, क्या जबरदस्ती गए हैं। बहुत बार ये होता है कि पायलट को ये कहा जाता है कि नहीं आप बिल्कुल यहाँ पर नीचे उतारो इसको, फ्लाइट को यहाँ पे ही ये करो, हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंडिंग करवाओ, तो उसका विवेक होता है। हमने बहुत देखे, सिसोली में भी आए, और अगर उनको लेट हो गया तो पायलट उनको छोड़ कर वहीं पे ही नेताओं को उन्होंने कहा कि 17 मिनट है जी, मैं 17 मिनट बाद में चला जाऊँगा। तो 17 मिनट बाद में अगर नेता नहीं गया तो हेलीकॉप्टर छोड़ कर उनको दिल्ली चला गया, वहीं के वहीं छोड़ गए। तो ये उनकी भी जिम्मेदारी रहती है, जो सिक्योरिटी में इंचार्ज है उनकी पूरी, SPG की इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि कहाँ जाना, अगर रूट क्लियर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। ट्वीट में हमने ये कहा कि दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सरकार जो भारत सरकार है वो ये कह रही कि सुरक्षा में चूक है, और वहाँ पे ये कह रहे जो पंजाब सरकार है उनका ये कहना है कि भीड़ कम थी इसलिए एक स्टेंट उनका है। तो दोनों की आपस में उनका वार है, लेकिन आम जनता का कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, नहीं कोई भी एक एजेंसी की जांच करे, और इसमें पंजाब की भी जो पूर्ण रूप से इसमें जांच हो, पंजाब सरकार की भी कि कहाँ कहाँ हो रहे, उनके अधिकारी होंगे, अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके क्या इंतजाम थे, वो भी होने चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी किसी पार्टी के नहीं होते, हमने बार बार कहा। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस तरह के लोग आ रहे हैं, गवर्नर आ रहे हैं, पार्टी के नहीं होते, वे देश के होते हैं, वे सबके हैं, हमारे भी सबके हैं। इस तरह की एक जो ये न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट है। जो चैनल वाले भी कह रहे कि वहां से बच कर आ गए, तो अगर ये था कि बच कर आ गए तो फिर गए क्यों थे। तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। इंटेलिजेंस के लोग भी लगे हैं वहां पे, उनको बता देना चाहिए था, और फिर उनकी गाइडेंस पे ही चलना चाहिए। मौसम खराब था तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं, तो प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहिए था। तो ये तो दोनों का उन्हीं का ही है। देखो बिल्कुल जो BJP के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, और जो कांग्रेस के लोग हैं जिनकी वहां पर सरकार है, उनका ये कहना है कि वहां पर भीड़ कम थी इसलिए पूर्ण रूप से जानबूझ कर ये स्टंट करा गया है। काफिला तो रुका हुआ, देखा रहा, उसमें एक तीसरा पक्ष किसानों का भी है। किसानों का कल का प्रदर्शन था सब जगह, और वहां पे कौन से जत्थीबंदी थी, रास्ते रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ होगा कि किसी ने बताया होगा किस रूट से आ रहे, तो लोग रास्ते में बैठे। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए रास्ते में बैठे थे, वो नहीं है, वो इत्तेफाक ही है और उसी रास्ते से प्रधानमंत्री आ रहे। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो अपना पक्ष है, हमारा अपना पक्ष ये है कि प्रधानमंत्री जी को 120 किलोमीटर का सफर बगैर प्रोग्राम के नहीं करना चाहिए।
ऐसे ही उन्होंने पाकिस्तान में बगैर उसके प्रोग्राम के गए, ऐसे ही ये यहाँ पे गए तो 120 किलोमीटर का सफर कि बाई रोड तय करेंगे, उनका पूरा रूट लगता है, उनका पूर्ण रूप से जानकारी होती है, उसमें बहुत अधिकारी बहुत पुलिस फोर्स के लोग लगते हैं जिस रास्ते से निकल रहे हैं, और पुलिस की इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती। हमने पुलिस में नौकरी करी है पूर्ण रूप से, हमने रूट देखे हैं और बम डिस्पोजल स्क्वाड में हम रहे, तो बाकायदा कई घंटे पहले कई दिन पहले बता जाता है, उसकी फोर्स की व्यवस्था करी जाती है, कौन सा फोर्स कहाँ पर लगेगा, वो इतना जल्दी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती कि पूर्ण रूप से फोर्स को ले आओ, क्योंकि कई जिलों की फोर्स लगती है। अगर 120 किलोमीटर लंबा रूट है तो बहुत फोर्स पे उसकी आवश्यकता पड़ती है। इतना रिक्स जो हमारे जो अधिकारी है ना उनको लेना चाहिए था, और ना ये प्रधानमंत्री को स्वयं का निर्णय होना चाहिए था कि नहीं हमको इस उस पर चलना है। तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से हम इसको ठीक चीज नहीं मानते। देखो इमरजेंसी व्यवस्था तो सबको रखनी चाहिए, तो ये एक किस्म से इमरजेंसी व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, तो ये उसकी भी चूक है कि कोई भी इमरजेंसी कॉल आ जाए तो उसकी व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। और जिस जिले में जिस स्टेट में प्रधानमंत्री आ रहा है तो वहाँ पे वो व्यवस्था रखनी चाहिए, मौसम खराब है तो उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपस में उनका दोनों का वो है, सरकार ये कहती है कि सुरक्षा में चूक हुई, और वहाँ की सरकार का कहना यह है कि वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी, भीड़ नहीं जुट पाई और इसलिए वे वहाँ पे नहीं गए। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.